क्या नाम तेरा? रेखा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? नहीं पढ़ती। कौन जाता है स्कूल में? कौन जाता है? तुम्हें आप जाते हो? कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में हो। बहुत बढ़िया। और आप में से अच्छा वो ताड़ी निकालने के लिए? अच्छा, इसमें तो बहुत शानदार धार है। इसमें तो ताड़ के पत्ते, अच्छा पत्ते से मनाई हुई है। क्या बात है, ये आप जस्ट आपने अभी मनाई है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी, मैं आप सभी को लेके आया आ चुका एमपी के अंदर। आप मेरे साथ पूरे भारत की यात्रा कर रहे हो, भारत के यात्रा के अंदर। अभी हम हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में आप ये ताड़ बोलते हैं इसको, इस पेड़ को ताड़ का पेड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि बड़े बड़े मटके लगे हुए होते हैं। आप देखो कि इसके ऊपर ये जो मटके लगे हुए हैं ना, ये वाले, ये बड़े बड़े मटके लगे हुए होते हैं। और इसकी जो एक पत्ता आता है उसको काट के फिर इसको से निकाला जाता है। और ये 20 रुपये का पर गिलास से ये सेल करते हैं। तो काफ़ी ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। आप देखोगे उस तरफ देखोगे कितने पेड़ लगे हुए हैं। तो एक ढाणी के अंदर आया हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि किस तरह से इनके लोगों के घर है, इनके कैसा जीवन है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। कौन सी जगह है? जांबूखेड़ा। मध्य प्रदेश जांबूखेड़ा। इस गांव का नाम क्या है? जांबूखेड़ा। तहसील कौन सी है? तहसील जोबट। जोबट, हाँ। अच्छा, तो आप किस समाज से आते हैं? भीलाल है। अच्छा, तो आपके यहाँ पे खेती किस किस चीज की होती है? गेहूँ की होती है। अच्छा, ये गेहूँ का भूसा है? हाँ, गेहूँ का भूसा। और ये सोयाबीन का। और वो मक्का? वो मक्का का है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इन दो में क्या क्या चीज है? इसमें दोनों में मक्के हैं। मक्के हैं, हाँ। अच्छा, ये स्टोर करने के लिए क्या है? हाँ, स्टोर करने के। तो जैसे बरसात आ जाए तो इसमें पानी ये निकाल कर इधर खाली करके फिर अंदर रख के वापस भरेंगे। अच्छा, थोड़ा बताओगे आप मेरे को किस तरह का ये होता है? अच्छा, ये वाली मक्की, इसको पिसा के। अच्छा, ये ऊपर वो खराब हो गए अंदर। क्या कर रहे हो आप? ताड़ी पाड़ने के लिए, ताड़ी पिड़ांग तो हमको। अच्छा, वो ताड़ी निकालने के लिए? हाँ। अच्छा, इसमें तो बहुत शानदार धार है इसमें तो। तो आप रस्सी के सहारे चढ़ोगे या कैसे चढ़ोगे? हमने चढ़ जाता। हाँ, चढ़ जाओगे उसमें? क्या? हाँ? अच्छा, आप भी चढ़ जाते होगे इसमें? पेड़ भी चढ़ जाते होगे ऊपर? हाँ, कोई भी परिवार में कोई भी चढ़ जाता है? आप भी चढ़ जाते हो? चढ़ जाओ बाबू। अच्छा, ये बच्चा चढ़ जाता है? हाँ। क्या बात, इतने मेरे साथ में 30 फीट के समथिंग होगा ये। तो आप यहाँ शादी वगैरह में जाते हो? किसी की होती है तो वहाँ फंक्शन में कोई गीत वगैरह गाते हो? गाते नहीं। कौन सा गाते? एक छोटा सा गीत गाना पड़ेगा। गाओ फिर देखते हैं, बता दो इसमें। लालो भाइयो, ये देखो ये एक एक छोटा सा। हाँ, दोनों। हाँ, गा दो बहनों दोनों ही। आओ आओ से दरवाजा जो मोर रे बेना, दो से दरवाजा खुल गयो, कीड़े कीने चली गयो ससरे, लिग गयो कीड़े कीने चली गयो सद मसरे, बेना बड़क कोरिया बेना ली बद मसरे, बेना बड़क कोरिया बोड़ा को कोरिया न बेना देश चलिया न, बोड़ा को कोरिया न बेना देश चलिया न, उच्चो मोल रे बेना दो से दरवाजा, चो मोल रे बेना दो से दरवाज, खुली गियो कीड़े कीने चली गियो ससरे, लिगियो कीड़े कीने चली गियो ससरे, चली बदमस रे बेना बड़क कोरिया बेनाई। बहुत सुंदर। आपकी एक आता है तुम्हें? अच्छा, मतलब ये एक तरह हमारी तरफ बोलते हैं इसको कि गाली गाल गाना, वो मतलब कि भाई जो ताने मारते हैं कि भाई तेरी बहन है वो बदमाश है, कुछ ऐसा ही बोला ना? हाँ। अच्छा, इधरा क्या नाम तेरा? रेखा। रेखा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? नहीं पढ़ती। कौन जाता है स्कूल में? कौन जाता है तुम्हें? आप जाते हो? कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में।
फर्स्ट ईयर में हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप में से? नहीं जाते। आप इनको बोला करो स्कूल जाया करो, इनका एडमिशन करा दो कल से। सभी स्कूल जाया करो। छोटू आप जाते हो? छोटू आप जाते हो? जाते हो। और आप में से कौन कौन जाता है? नहीं जाते। कोई नहीं जाता। कल आप ही एक लड़कियों के अंदर आप अकेले हो जो स्कूल जाते हो। आपके परिवार में मतलब लड़के में आप अकेले? तीन बहन आए ना, तो उनकी शादी हो गई अभी। वो पढ़ी? नहीं नहीं पढ़ी। आपको कैसे रुचि लगी? कोई पढ़ी नहीं रहा तो? हाँ तो मेरे भाई पढ़ते ना। आप सभी को मोटिवेट करते हो भाई पढ़ाई किया करो, पढ़ोगे तो ये चीज बताते हो? बात होती कभी आप दूसरी जो लड़की है उनको तो बताते होंगे भाई पढ़ाई किया करो? ऐसा बोलते हैं पहले तो इसी हिसाब से लगा। अच्छा लगाते हैं। लेकिन आपने जो ये बीआर लिखा है ये क्या है? आपका नाम है या? मेरा भाई का। और नाम मेरा? भाई का? हाँ। अच्छा भाई का और आपका नाम। हाँ। आपने शर्ट पहन रखा है। ये, ये ये कपड़े कौन से बोलते हैं इनको? ये ड्रेस क्या बोलते हैं इसको अंकल जी? ये तो आदिवासी में सिंपल सिंपल। हाँ कि ये इसका इसका ऐसा नहीं है। हाँ। सिंपल हमारे काम के लिए, काम के लिए। अच्छा, काम के लिए जाते, काम के लिए जाते थे ऐसा कपड़े पहनते। अच्छा ऐसे कपड़े पहनते। हाँ कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरे कपड़े पहनते, दूसरे कपड़े पहनते। पगड़ी यहाँ पर किस कलर की पहनते हैं? जैसे आपने लाल पहन रखी है। हाँ तो ज्यादातर किस कलर की पगड़ियाँ पहनते हैं? ये तो अपने अपने तरीके से पहनते हैं। हमारे जात में ये लाल चलता तो लाली चलता, और हिंदी समाज में सफेद चलता तो सफेद बांग। अच्छा इनके सफेद चलता है? हाँ इनका सफेद चलता। अच्छा आप साथ शादी करो या कुछ हमारा घर यहाँ में मनाए थे तो वहाँ खेत में गए थे। अच्छा शादी हो गई? आपका घर यहाँ है? हाँ। आप यहाँ बहन के यहाँ आए हो? मेरी बहन यहाँ है, ये मेरा भांजी। अच्छा आपका भांजी है। तो मतलब आपकी कौन सी प्रजाति है? मतलब जाति जाति है हमारे भिलाड़े में आती है, ठाकुर के हिसाब से। ठाकुर के हिसाब से। हाँ कौन से भील हो? हम भिलाड़े। भिलाड़े। हाँ और आपकी? ये भी भिलाड़े। नहीं जाति तो गोत्र जिसको क्या बोलते हैं? गोत्र बोलते हैं कि इनके कहीं भी कार्यक्रम में सफेद कपड़ा चलता, सफेद कपड़ा। हमारा ये लाल लहन है, लाल ही चलते। तो इसकी क्या पुरानी कोई पहचान है कि भाई लाल क्यों पहनते हैं कोई? तो ये डाव डाला करता रहा, उसी हिसाब से चलता रहा, दूसरे हिसाब से। अच्छा तो दूसरा हमारा कोई भी कार्यक्रम है, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, इसमें लाल कपड़ा लगता है, लाल कपड़ा लगता है। अच्छा शादी रिश्ते कैसे करते हैं आप लोग? आप लोग देख के करते हैं या बच्चे अपने आप कर लेते हैं? नहीं नहीं देख के करते हैं। अच्छा अपने आप करते हैं जरा वो यूँ हो जाता। अच्छा यूँ हो जाता है, मतलब सब जगह यही है, मम्मी पापा की मर्जी, मतलब तो अच्छा रहता, तो जाना आना रहता। अच्छा और आपकी मर्जी से शादी करेगा यही हो जाती होती है? आपकी मर्जी से भी होती है? होती नहीं होती करते है। हैं बहुत सारे लोग कर चुके, पर जरा वो अच्छा बात नहीं रहती है। कोई भी इधर उधर लेना देना जाना आना अच्छा नहीं रहता, भूल चाल हो जाती न।